हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्त अमित यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ड्राइंग में यूज होने वाली कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं एज अ फिटर काम कर रहा हूँ एक कंपनी में, जो कि बहुत लो पेमेंट दे रही है, टाइमली पेमेंट नहीं दे रही। और मैं चाहता हूँ कि एज अ फैब्रिकेटर मैं किसी भी कंपनी में एज अ सर्विस प्रोवाइड करूँ, तो इसीलिए मैंने अपना नंबर नीचे दिया हुआ है यहाँ पे। और आप किसी भी कंपनी को जानते हो जहाँ पे फैब्रिकेटर का ज़रूरत हो, तो आप प्लीज़ इस नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है ड्राइंग में यूज होने वाली कुछ बेसिक चीज़ें। देखिए, ड्राइंग में ज़्यादातर हमारे क्या यूज होता है, बीम, एंगल, चैनल, चक्कर प्लेट, गैसेट प्लेट, स्टेपनर ना, ऐसा ही चीज़ इस्तेमाल होता है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्राइंग में वो चीज़ कैसा दिखता है ना। अगर ड्राइंग में आपको ऐसा दिखता हो कोई चीज़, ऐसा पे एक लंबा रेखा हो और बीच में डैश डैश हो ना, तो ये एक चीज़ समझ जाएगा कि ये क्या है, बीम है। क्या है ये? बीम है। पर अब हमको समझना ये जरूरी है कि बीम का डायरेक्शन किस साइड से ये दिखा रहा है, वेव साइड से दिखा रहा है कि फ्लेन साइड से दिखा रहा है। तो ये हमारा टॉप से देखेंगे तो ये हमारा क्या दिखाई देगा, फ्लेंज दिखाई देगा। और साइड में आपका इसका रियलिस्टिक व्यू भी या 3D व्यू में इधर दे दूंगा। वैसे ही क्या रहता है ना, अगर आपका इस तरह वेव की तरह है, मतलब ये ऊपर से फ्लेंज दिखाई दे रहा है, तो प्लेट किधर लगेगा, फ्लेंज में लगेगा, वेव में लगेगा ना। ऊपर से फ्लेंज दिखाई दे रहा है तो प्लेट आपका क्या लगेगा, फ्लेंज के वेव के भीतर लगेगा ना। तो यहाँ तक, जहाँ तक ऊपर से देखने में दिखाई दे रहा हो, यहाँ तक एक मोटा रेखा रहेगा और इसके भीतर तक प्लेट जा रहा है ना, जिसको भीतर डैश डैश रहेगा ना। मैं आगे आपको बताऊंगा कि डैश डैश लाइन का असली अर्थ क्या होता है, क्यों डैश डैश लाइन इस्तेमाल होता है ना। तो ये बीम हो गया। अब कोई भी बीम या डबल रेखा है या एक मोटा रेखा है ना, तो वो किस साइड में है, हमारे वेव के साइड में। ऊपर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, वेव दिखाई दे रहा है वो बीम का ना। और जो प्लेट लगेगा वो वेव के सेंटर में, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो ये फ्लेंज के सेंटर में लगेगा, इधर फ्लेंज पे लगेगा। ऐसे ही हमारे ड्राइंग में रहता है ये। तो एक पार्ट तो ये ख़त्म हो गया। अब ये दूसरा, अब क्या चीज़ रहता है हमारा, एंगल। ड्राइंग और चीज़ क्या इस्तेमाल होता है, एंगल ना। अगर एंगल में इस तरह डबल लाइन है, इस तरह डबल लाइन है और इस तरह है, कुछ सिंबल्स आपको दिखाई देगा, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, एंगल है ना। और वो एंगल का जो फ्लेंज है वो किधर साइड में है, ऊपर साइड में। अगर वही फ्लेंज का ये जो है ना पॉइंट डैश डैश दिखाई दे रहा हो, तो वो नीचे है। कभी कभी ऑफ या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगने के कारण से ऐसा भी दिखाई देता है, ड्राइंग में दिखाया जाता है। उसके ऊपर से हमारा आ जाता है चैनल। अगर आपका डबल डैश हो, इधर साइड साइड में डबल डैश हो, या इस तरह का व्यू आपको ड्राइंग में दिखाई दे रहा हो, तो वो क्या चीज़ है, चैनल है। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, तब जाके आगे आप ड्राइंग में समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। क्योंकि यही है बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें जो आपको एक अच्छा फैब्रिकेटर और अच्छा एक ड्राइंग इंजीनियर बना सकती हैं। उसके ऊपर से आता है चक्कर प्लेट। चक्कर प्लेट का साइज इस तरह रहता है, कुछ खास सिंबल नहीं रहता, इसमें कुछ पैचेस दिए रहते हैं जिसके कारण से हम समझ सकते हैं कि चक्कर प्लेट है। उसके ऊपर से हमारा आ जाता है ये पाइप। ऐसा टाइप का सिंबल दिया हो ना, ऐसा टाइप का सिंबल या ऐसा टाइप का सिंबल दिया हो, तो हमें क्या समझना है कि ड्राइंग में वो क्या चीज़ इस्तेमाल होने वाला है, पाइप इस्तेमाल होने वाला है ना। आगे हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। और एक चीज़, कुछ और बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि कुछ ड्राइंग में दिए हुए शॉर्ट नेम और उसके अर्थ ना। तो ड्राइंग में कुछ शॉर्ट नेम दे रहते हैं, जैसे कि ISMB, यानी कि ISMB, यानी कि ये क्या है, बीम है। ISMB का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम ना। जो चीज़ है वो क्या है, बीम है। ISMC है यानी कि वो चैनल है। ISA है यानी कि एंगल है। PL है यानी कि प्लेट है।
एनबी उसके ऊपर से कुछ नंबर दिया हुआ है तो क्या है, या एमएम में कुछ दिया हुआ है तो वो क्या है, डायज अगर दिखा रहा है तो वो पाइप है, CHQPL लिखा हुआ है तो वो चक्र प्लेट है। ज़्यादातर चक्र प्लेट जो प्लेटफॉर्म बनाने के काम में इस्तेमाल होता है ना, जिस पे लोग चलते हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं केबल ट्रे में प्लेटफॉर्म, ज़्यादातर चीज़ में प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पे आदमी को बराबर आना जाना रहता है। तो वही थी मतलब ड्राइंग की कुछ बेसिक चीज़ें, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी। और आगे ये फैब्रिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।